प्लीज तुम जाओ यहाँ से। ओह माय गॉड। अब बस। अब मैंने सोच लिया है। क्या? हम शादी करेंगे। सच में? हाँ, बहुत अच्छी हो तुम। तुम भी बहुत अच्छे हो सूरज, पर शादी कैसे कर सकते हैं हम? मैं कल ही बात कर लूंगा रवि से हमारे बारे में, और वैसे भी वो बोल ही रहा था मुझे शादी करने को। देखो प्लीज, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरे सुबह यहाँ से जाने के बाद ही इस बारे में बात करना तुम। अरे पर तुम क्यों जाओगी अब यहाँ से? नहीं सूरज, जब तक मिले और रवि राजी नहीं हो जाते मुझे जाना होगा यहाँ से। पर तुम जाओगी कहाँ? तुम तो बाहर से आई हो ना। अरे बाहर तो मैं घूमने गई थी, रहती तो मैं ही थी मिले के साथ सीमेंट फैक्ट्री के पास। ओह, वहाँ आप लोगों का अपना घर है? अरे नहीं, हम थोड़ी इतने अमीर है, किराए पे रहते हैं। पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरे यहाँ से चले जाने के बाद बात करना इस बारे में उनसे? हाँ, मैं मिली से नजर नहीं मिला पाऊंगी वरना। चलो जैसा तुम कहो, आओ एक राउंड और मार लेते हैं। अरे ना बाबा ना, मैं तो बहुत थक गई हूँ अब, तुम भी अपने कमरे में जाओ अब। ओके माय लव, जैसा तुम कहो। चलो बाय, लव यू। बाय। रात में ना तुम सोते हो ना सोने देते हो, और सुबह तुम्हारी आँख नहीं खुलती। अरे सुबह सुबह क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? हम सुबह नाश्ते के टेबल पे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मम्मी घर जाने के लिए बैठी है और तुम अब तक सो रहे हो। अरे उठ तो गया, तुम चलो जाके बैठो, मैं एक मिनट में आया। जल्दी से आ जाना नीचे, और हाँ कपड़े यहाँ से पहन कर आना, कहीं नंगे ही आ जाओ नींद में। अरे हाँ ना, जाओ तुम। अरे गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, कब से तेरा वेट कर रहे हैं, चल जल्दी बैठ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। आइए जमाई राजा, बैठिए। पर एक बात बताइए सूरज जी, ऐसा क्या करते हैं आप, ये जो करोड़ों का घर बना लिया आपने? अरे ये करोड़ों तो आप भी कमा सकती हैं घर बैठे बैठे। अरे वो कैसे? चलो मैं तुम्हें एक ऐसी मस्त ऐप के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है प्लेयर स्पॉट, जिससे तुम घर बैठे बैठे करोड़ों कमा सकते हो। वाओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं आईपीएल शुरू होने वाले हैं, तो देखो मैच तो हम घर बैठे बैठे एंजॉय करेंगे ही, पर मैं ये कहूँ कि क्रिकेट के स्किल्स तुम्हें घर बैठे बैठे ही जिता सकते हैं 10 करोड़ तक की विनिंग्स। प्लेयर स्पॉट ऐप पर अपनी क्रिकेट टीम बनाकर ज्वाइन करो लीग्स। और हाँ, अभी प्लेयर स्पॉट पर चल रहा है 10 लाख का ग्रैंड लीग, जिसमें तुम्हें फ्री एंट्री मिलेगी, और उसी के साथ साथ 1.20 करोड़ का लीडर बोर्ड और बीएमडब्ल्यू बाइक, ऐसे बहुत से प्राइजेस जीतने का मौका मिल रहा है। अब फैंटेसी स्पोर्ट्स से हट के बात करें तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट लूडो भी है प्लेयर स्पॉट पे, जिसे तुम खेल के डेली जीत सकते हो 10 करोड़ तक। अब तुम ये सोच रहे होगे कि प्लेयर स्पॉट पे हम क्यों खेलें, तो मैं बता दूं प्लेयर स्पॉट 100% मेड इन इंडियन ऐप है, तो तुम जान गए होगे कि तुम्हारे पैसे एकदम सेफ हैं। और दूसरी बात, 7 मिलियन यूजर्स इस ऐप पे रोज खेलते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी बात, इजी विड्रॉल, नो केवाईसी, तो जैसे ही आप गेम जीते वैसे ही विनिंग प्राइस डायरेक्ट आपके अकाउंट में। और साथ ही इस ऐप में आपको हर तरह के गेम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रमी, चेस, सांप सीढ़ी, जो हम बचपन में बहुत खेला करते थे। तो फटाफट डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यूज करो मेरा रेफरल कोड प्लेयर्स 200, इससे आपको फ्री 200 रुपए साइन अप का बोनस मिलेगा। तो जल्दी से जाओ डाउनलोड करो। अरे वाह, इस ऐप को तो मैं भी डाउनलोड करूंगी। वैसे मैं तो कह रहा था 2-4 दिन और रुक जाते आप यहीं, इतने भी जल्दी क्या है जाने की। अरे नहीं नहीं, बेटी का घर है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे इसमें अच्छा ना अच्छा लगने वाली क्या बात है, आप रुकती यहाँ तो हमें भी अच्छा लगता। नहीं नहीं, फिर कभी। चलिए जैसा आपको ठीक लगे। जमाई राजा, मेरी मिली का ख्याल रखना। अरे आप चिंता ही मत कीजिए। मम्मी ख्याल रखना अपना। अरे तो चिंता मत कर, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे मिली तुम टेंशन क्यों लेती हो, कोमल जी को मैंने अपना नंबर दे दिया है, उन्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो मुझे फोन कर लेंगी। हाँ मुझे जरूरत पड़ी तो मैं सूरज को बुला लूंगी घर। अरे सिर्फ भैया क्यों, जरूरत पड़े तो हम सब आ जाएंगे आपसे मिलने आपके घर। हाँ हाँ बिल्कुल जमाई राजा, क्यों नहीं, चलिए अब मैं चलती हूँ। आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। अपने आप को अकेला मत समझना कोमल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा मतलब था कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलिए ठीक है, बाय। चलिए सासू माँ का सब अच्छे से हो गया, वो भी खुश होकर ही गई यहाँ से। आओ तुम दोनों अंदर, एक जरूरी बात करनी है। अरे भैया क्या हुआ, सब ठीक तो है? अचानक एकदम से क्या हुआ भैया? बैठो दो, सब बताता हूँ। बोलो ना भैया, हुआ क्या है? देखो रवि, तुम्हें याद है तुमने अपनी शादी से पहले मुझे कहा था कि मुझे भी अब शादी कर लेनी चाहिए? जी भैया याद है, मैंने ही कही थी आपको ये बात। तो मैंने फैसला कर लिया रवि, मैं शादी करूंगा। क्या बात कर रहे हो भैया, क्या न्यूज दिया आपने, मजा आ गया। वाह भैया, मेरी भाभी आएंगी घर पे, मजा आएगा। भैया देखना, मैं और मिली आपके लिए लाखों में एक लड़की ढूंढ के लाएंगे। नहीं रवि, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लड़की मैंने ढूंढ ली है। व्हाट,
अरे वाह भैया, कौन है बताइए ना। हाँ भैया बताइए ना, कौन है मेरी प्यारी प्यारी भाभी? तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी है मिली। What the fuck? अरे मेरा मतलब है कि लड़की मैंने ढूंढ ली है, वो लड़की कोई और नहीं कोमल जी हैं। क्या बोल रहे हो भैया, होश भी है क्या बकड़े आप? देखो मैं अकेला ही उनसे प्यार नहीं करता, कोमल जी भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं। भैया एक दिन भी नहीं रही मम्मी जी यहाँ और आपको उनसे प्यार हो गया? माफ कीजिएगा भैया, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है, वो सिर्फ एक रात रही यहाँ। पता नहीं अपने रात में क्या 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 होगा उनके साथ, आप ये सब बोल रहे हैं? भैया एक रात में आपने इतना कुछ कर दिया कि मेरी माँ मेरी भाभी बन गई? इसमें हर्जी क्या है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और जिंदगी भर साथ रहना चाहते हैं। नहीं भैया मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी इस सास को मैं अपनी भाभी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा बस। पर मैं कोमल के बिना नहीं रह सकता रवि। तो ठीक है भैया फिर, अगर आपने ऐसा किया तो मैं और मिली ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप, मेरी बात तो सुनिए। अरे ये क्या बोल रहे हो रवि, हम कैसे ये घर छोड़ के जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। क्या तुम अपनी माँ को भाभी बोलोगी, कर पाओगी ऐसा? वो बात तो ठीक है, मगर इतना बड़ा घर इतना महंगा क्यों छोड़ेंगे हम? तो ठीक है फिर, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो उन दोनों के साथ तुम रहो, तुम्हें यहाँ महंगा घर तुम्हारी माँ उर्फ तुम्हारी भाभी मुबारक हो। अरे अरे मकान मालिक साहब आइए आइए। आइए आइए नहीं, दीजिए दीजिए। क्या मतलब? इस महीने का किराया दीजिए। ओ किराया, वो तो नहीं है। तो क्या यहाँ मैंने धर्मशाला खोल रखी है? देखिए साहब मैं आज ही आई हूँ बाहर से, और अभी घर पे कोई है भी नहीं जिससे लेके दे दूँ। तुम्हें भी अच्छे से पता है मैं किराया लिए बिना तो यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो नहीं है जब अभी मेरे पास, तो मैं कहाँ से दूँ? तुम्हारे पास है तो बहुत कुछ देने को, अगर तुम देना चाहो तो। तो साले सीधे सीधे मुद्दे पे आया करना, क्यों बातें घुमा फिरा के मेरा टाइम खराब करता है हर महीना। चल आजा अंदर, तू भी बड़ा कमीना है वैसे गंजे, एक बार तुझे किराया क्या दिया, तुम्हें तो हर महीना चाहिए। अब किराया तो मैं लूंगा ही, फिर ऐसे लू या वैसे। चल आजा देती हूँ किराया। चल अब खड़ा हो और निकल, अगले महीने आना आप किराया लेने, उससे पहले अपनी गंजी शक्ल मत दिखाना यहाँ। मिली तुम ही समझाओ ना रवि को, मैं नहीं रह सकता कोमल के बिना और ना ही वो मेरे बिना रह सकती है। भैया मैं बात करती हूँ रवि से, अभी तो वो बहुत गुस्से में है। उसने जब मुझसे तुम्हारे बारे में बात की थी, मैंने भी तो तुम्हारे प्यार को समझा था, तुम दोनों की शादी करवाई थी। हाँ हाँ मैं बात करती हूँ रवि से, आप चिंता मत कीजिए। मैं पहले ही कह देता हूँ मिली, अगर कोमल से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपना सारा पैसा और अपना ये सामान लेके कोमल के घर चला जाऊंगा उसके साथ रहने। अरे नहीं नहीं भैया ऐसा मत बोलिए, मैं समझाती हूँ रवि को, आपकी शादी बिल्कुल करवाएंगे मम्मी से, मैं आई बात करके। रवि बात सुनो ना यार, खड़े हो? देखो मिली मुझे भैया के बेड में और कोई बात नहीं करनी प्लीज। यार रवि देखो भैया भी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, उन्होंने अपनी सारी जवानी तुम्हें ऐश कराने में लगा दी, अब उन्हें किसी से प्यार हुआ है तो तुम्हें तो समझना चाहिए ना। पर मिली तुम ये कैसे भूल सकती हो, उन्हें जिससे प्यार हुआ है वो तुम्हारी माँ है। मेरी माँ अगर सूरज भैया से प्यार करती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रवि, ये सोचो अगर तुमने जब भैया से हमारे बारे में बात की थी अगर वो भी ऐसी जिद पकड़ के बैठ जाते तो तुम मुझे छोड़ देते और खुश रह पाते अपनी जिंदगी में। नहीं कभी नहीं। तो उनकी खुशियों के बारे में भी तो सोचो ना यार, सिर्फ ये डर से कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, हम सूरज भैया की खुशियाँ तो नहीं छीन सकते ना उनसे। हाँ यार सही कह रही हो तुम, मैंने जब उन्हें बताया था तुम्हारे बारे में वो कितने खुश थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया अपने बारे में तो मैंने उनपे कितना गुस्सा कर दिया। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कब से। ठीक है फिर, भैया की शादी होगी और सासू माँ से ही होगी, फाइनल है। ये हुई ना बात, मैं भैया को बताकर आई। भैया भैया रवि मान गए भैया। क्या सच बोल रही हो तुम? हाँ भैया रुकिए ना, मैं रवि को बुलाती हूँ, आप उनसे ही पूछ लीजिए। रवि आना जरा भैया के रूम में। भैया अब आप जल्दी से घोड़ी पे बैठने की तैयारी कीजिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है रवि, अब तो कोई नाराजगी नहीं ना तुझे मुझसे? नहीं भैया गलती मेरी थी, आपकी खुशी किसमें है मुझे समझना चाहिए था। चल कोई बात नहीं, तू मान गया और क्या चाहिए। तो भैया ऐसा करते हैं मम्मी को यहीं बुला लेते हैं, वो अकेले वहाँ पे बोर हो रही होंगी। हाँ जब शादी करके आना ही यही है तो आज ही बुला लेते हैं ना यहाँ। वाओ परफेक्ट, मैं अभी उन्हें ये खुशखबरी फोन करके सुना देता हूँ, वो भी चिंता कर रही होंगी कि मैंने तुम लोगों से ये बात की या नहीं। हाँ हाँ जरूर आप उन्हें कॉल कर दीजिए।
हाय कोमल। हेलो सूरज। मैंने बात कर ली मिली और रवि से। ओह माय गॉड, क्या बोले हो? वो मान गए कोमल। व्हाट, इतनी आसानी से? आसानी से? अरे तुम्हें पता नहीं क्या क्या हुआ यहाँ। क्या क्या हुआ बताओ। अब जो हुआ उसे छोड़ो, पर अच्छी बात यह है कि वो दोनों मान गए हैं। अब तुम एक काम करो, सीधा टैक्सी पकड़ो और यहाँ चली आओ। अरे आज सुबह ही तो वहाँ से आई हूँ और अब फिर से वहाँ आ जाऊँ? कोमल अब तो तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए ही आना है, ये तुम्हारा ही तो घर है। ये भी बात है, चलो मैं आती हूँ। जल्दी से आ जाओ धर्मपत्नी जी। आई पतिदेव जी। सुनो। अरे भैया आप बोलिए ना। मेरी बात हो गई कोमल जी से, वो बस टैक्सी पकड़ के आ ही रही हैं। ये बात। चलिए आज रात का डिनर हम पूरी फैमिली एक साथ करेंगे। हाँ अब जाके फैमिली पूरी कंप्लीट हुई है। बस बस भैया यही रोक दीजिए। कितना हुआ? 100 यूसी। लगता है बाहर कोमल जी आ गई। अरे कोमल जी आ गई तुम? हाँ जी आ गई। अरे अंदर आओ ना। मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बहुत सही समय पे आई हो, हम बस अभी डिनर करने बैठे ही थे। आओ ना तुम भी डिनर करो साथ, आओ बैठो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते मम्मा। नमस्ते नमस्ते। तो कोमल ऐसा था कि मैंने मिली और रवि से बात कर ली है और वो दोनों मान भी गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम कल ही सुबह कोर्ट मैरिज कर लेंगे चल के। हाँ बिल्कुल। तो मिली और रवि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हमारे इस फैसले से? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तुम चिंता मत करो कोमल, मेरी बात हो चुकी अच्छे से, ये दोनों तो बहुत खुश हैं। मैं बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ, मेरी फैमिली पूरी हो गई। कोमल आज तुम बहुत ज्यादा थक गई होंगी, पहले सुबह यहाँ से गई फिर वापिस आई, तो चल के थोड़ा आराम कर लो। हाँ यहाँ से जाने के बाद भी मैंने बहुत काम किया, थक तो बहुत गई मैं। तुम दोनों भी कमरे में जाओ और कल शादी की तैयारियां करो, आओ फिर थोड़ा रेस्ट कर लो। आ जाओ, अब ये सिर्फ मेरा कमरा नहीं हमारा कमरा है। सिर्फ कमरा ही क्यों, ये घर भी तो हमारा है अब। हाँ क्यों नहीं। चलो अब जाओ यहाँ से, मैं चेंज कर लेती हूँ। अरे तो अब मुझे कमरे से जाने की क्या जरूरत, अब तो हम पति पत्नी हैं। ये भी बात है, लो मैं ही बदल लेती हूँ। अब तुम सोने भी यहीं वाले हो मेरे साथ? तो और क्या। अरे कल तक तो वेट कर लो। अरे अब कैसा वेट, अब तो तुम मेरी हो चुकी हो। चलो अच्छा है मम्मी भी इस घर में आ गई, अब मुझे घर साफ करने में आसानी होगी। घर साफ, मैं समझा नहीं। अरे साफ सफाई बेबी, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ और यहाँ आओ। अरे अरे कुछ कल के लिए भी छोड़ दो, रुकिए मैं दूध लाई आपके लिए। ओहो एक तो तुम्हें थकान बहुत जल्दी हो जाती है, रुको मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई। अरे मिले तू रात के 2 बजे यहाँ किचन में? हाँ क्या करूँ वो सोता ही नहीं आधी रात तक। तेरा आधी रात के बाद तो सो जाता है कम से कम, ये कमीना तो सुबह 6 बजे भी मूड में होता है। पर तू एक बात कान खोल के सुन ले, मैं इस घर में 3 दिन से हूँ, उस कमीने ने मेरी रेल बना दी है, 60% मैं लूंगी। अरे ले लियो, बहुत पैसे वाले है ये, खूब माल मिलेगा। अच्छा तूने यहाँ से मिला तो दिया ना दूध में? अरे तू चिंता मत कर, बस जाके उसे पिला दे, वो आधे में ही ना सो जाए, तो मेरा नाम कोमल नहीं। बहुत कमीनी है तू। चल चल जल्दी ऊपर, पता लगे दोनों नीचे ही आ गए। हाँ हाँ चल। फोन पे जो समझाया था सब याद है ना? हाँ हाँ सब याद है। उठिए चलिए दूध पी लीजिए। अरे दूध ही तो पी रहा था कब से। चलो आ जाओ। लीजिए मिल्क पीजिए, सारा दम निकाल लिया है ना आपने। यार कितनी बड़ी कमीनी है तू, जैसा कहा था वैसा ही हुआ,
आधे में ही सो गया बेचारा। चल चल जल्दी से बैग उठा और सारा माल भर, सुबह होने से पहले ही निकलना है। हाँ तू अपना कमरा खाली कर, मैं अपना करती हूँ। मैंने तो सफाई कर दी सारी। मैं भी, एक भी चीज छोड़नी नहीं है, बहुत मजे लिए इस सालों ने। मैं तो कहती हूँ ये टीवी भी उठा लेते हैं हम। पागल है क्या, इतनी बैग में जगह कहाँ है, अभी तो नीचे भी बहुत मॉल है, छोड़ टीवी को। चल चल सारा माल भर ले, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अरे माल क्या, मैं तो अलमारी से सारे कपड़े भी उठा लाई। मैं भी। चल निकलते हैं अब, एक कपड़ा तक नहीं छोड़ा उनके पास। अरे कहाँ हो कोमल, दूध ले आओ यार, शरीर में बहुत कमजोरी सी हो रही है। अरे कोमल कहाँ है, अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं, अलमारी भी पूरी खाली। ओ रवि, रवि अरे इसका कमरा भी खुला हुआ है। रवि जल्दी उठ, कोमल और मिली घर पे नहीं है। अरे भैया तो क्या हुआ, इधर उधर होंगी दोनों। अरे नहीं, मेरे कमरे में ना मेरे कपड़े हैं ना मेरे पैसे हैं। क्या बकड़े हो भैया, तेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरे कपड़े तो ये रहे। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे भैया मेरे कपड़े भी नहीं है। जाके अपनी अलमारी देख, सारा सामान तो है ना। रुकिए। अरे भैया अलमारी में तो कुछ भी नहीं है। रवि ये अलमारी पूरी खाली है। भैया अब क्या होगा, अब तो नंगे हो गए, सड़क पे आ गए। मैंने तुझे कहा था रवि, ये 2 महीने का प्यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा और आपने क्या किया, आपको तो 1 दिन का ही प्यार हो गया था ना। ओह मुझे याद आया, एक छोटी अलमारी मेरी नीचे भी थी, उसमें जरूर सब होगा। ओह शिट, ये भी पूरी साफ। भैया अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम ऐसी नंगी हालत में। कहीं गाड़ी भी तो नहीं ले गई वो दोनों। शुक्र है गाड़ी तो यही है, इसकी चाबी मैं छुपा के रखता था इसीलिए ये बच गई। चले भैया उसका घर मुझे पता है कहाँ रहती है वो। हाँ मुझे भी पता है, उसने मुझे बताया था। चल जल्दी बैठ। साला सर्दी में नंगे सड़क पे भैया सब क्या सोचेंगे। सोचने दे जिसको जो सोचना है, बस वो मेरे हाथ लग गई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया ये कहाँ जा रहे हैं आप? कोमल ने बताया था सीमेंट फैक्ट्री रहती है वो। अरे नहीं भैया, मिली ने बताया था वो बोलनोबो रहती है कहीं रेंट पे। ये तो मुझे कोमल ने बताया था कि वो रेंट पे रहती है, इसका मतलब ये तो सच है कि वो रहती तो रेंट पे ही है। तो ऐसा करते हैं पहले बोलनोबो चलते हैं। हाँ चलिए। बोलनोबो तो आ गया रवि, यहाँ कहाँ बताया था उसने? भैया उसने शायद किसी चर्च के पास बताया था। ओह चर्च वो रहा सामने ही, पर यहाँ तो बहुत सारे घर हैं, यहाँ कहाँ ढूंढेंगे हम उन्हें? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा भैया, किससे पूछे। हाँ यार यहाँ तो एक बंदा सड़क पे नहीं है, किससे पूछे और क्या पूछे। इधर तो सब बहुत अमीर लगते हैं भैया, इतने बड़े बड़े घर, लगता है उसने भी मुझसे झूठ बोला था। अरे भैया वो देखिए कोई खड़ा है। अरे हाँ, अरे भाई साहब वो 2 लड़कियों के बारे में पता करना था, कोमल और मिली उनका नाम है, कहाँ रहती है वो? ऐसे तो नहीं जानता नाम से, यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं। अरे गिट्ठी गिट्ठी सी हैं, गोरी गोरी सी, और वो रेंट पे रहती हैं यहाँ। देखिए यहाँ रेंट पे तो मुश्किल से 1-2 ही मकान है, वहाँ पता कर लीजिए। एक तो यही पीछे ही है गांडी अंकल का। भाई साहब आप एक बार बुला देंगे क्या उन्हें फोन करके, थोड़ा अर्जेंट था प्लीज। अच्छा रुकिए करता हूँ मैं कॉल। हेलो गांडी अंकल, मैं पिंटू बोल रहा हूँ। ये तो लड़के आए नंगे आपके किराएदार के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ आ जाइए। ओके आ रहे हैं 2 मिनट में। ये गंडी अंकल दूर रहते हैं क्या? अरे नहीं ये 4 गली छोड़ के ही रहते हैं। भैया वो नहीं मिली तो क्या हम ऐसे ही नंगे घूमते रहेंगे सड़कों पे? ये सब तेरी वजह से हुआ है रवि। अरे लीजिए गांडी अंकल आ गए। अरे आप लोग कौन है और इतनी सर्दी में ऐसे नंगे? अरे अंकल जी हम वो 2 लड़कियों को ढूंढ रहे थे, वो यहाँ रेंट पे रहती हैं कहीं। अरे नहीं नहीं मेरे घर तो 2 नहीं 3 रहती हैं, आप गलत एड्रेस पे आए हैं।
अरे अंकल बात तो सुनिए, वो हमें उन्होंने अपना नाम कुछ मिली और कोमल बताया था। हाँ मिली और कोमल मेरे ही रेंट पे रहती हैं, पर वो दो नहीं तीन है। तीन? ये कैसे हो सकता है? ओह याद आया, वो शादी से पहले एक मासी लेके आई थी ना। हाँ हाँ भैया सही कहा। देखिए आप लोग उन तीनों के चक्कर में मत पड़िए, वो बहुत ही कमीनी लड़कियां हैं। वो अभी दो महीने पहले आई थी मेरे रेंट पे, एक वो गिट्टी मिली थी, एक उनकी लीडर थी कोमल, और एक लड़की और थी साथ में, मुझे उसका नाम नहीं पता पर वो रोबोट जैसी बोलती थी, ए तू क्या कर रहा है ऐसे। हाँ हाँ वही तीनों। बेटा अंदर की बात बताता हूँ, उनके चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है, बहुत चालू माल है वो। किराने जाओ तो कभी मिली को सुला देती मेरे साथ, कभी वो उनकी लीडर कोमल वो खुद सो जाती थी। अंकल एक बार ले चलिए ना हमें अपने घर, उनसे मिलवा दीजिए ना। ये तो नहीं हो सकता, मैं अभी रास्ते में वहीं से होके आ रहा हूँ, वो घर तो पूरा साफ है, वो अपना सामान ले गई, वहाँ कोई नहीं है अब। क्या वो आपका भी पैसा लेके भाग गई? अरे नहीं नहीं वो सामान तो उनका खुद का था, और बात रही किराए की, वो तो मैंने कल ही वसूला है कोमल से। कल कोमल ने अपना सारे किराए का हिसाब कर दिया था? हाँ कल ही आया था मैं किराया लेने, कोमल थी सिर्फ घर पे, पूरा आधा घंटा हिसाब किया उसने मेरे साथ। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे औरों से भी किराया लेने जाना है। अच्छा अंकल वो कहाँ से आई थी वो सब तो आपको पता ही होगा ना? बेटा जी मुझे तो सिर्फ अपने किराए से मतलब होता है, वो कहाँ से आई थी, कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी, इन सब चीजों से मुझे कुछ लेना देना नहीं। बर्बाद हो गए हम रवि, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास सिवाय इस कच्चे के। भैया मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। भाई साहब आप भले आदमी लगते हैं, कुछ खाने को देंगे क्या? भागो सालो यहाँ से नंगो। अब रोने से कोई फायदा नहीं है रवि, वो तीनों हमारा काट के जा चुकी हैं। तो गाइज ये वीडियो खत्म हो चुकी है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हाँ प्लेयर स्पॉट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके विजिट करो और बहुत सारा अर्न करो।